हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास को। तो यहाँ हमने हेडिंग तैयार कर लिया हुआ है, और हेडिंग में ज्यादा तामझाम मत रखिए, सिंपल रखने की कोशिश करिए। अब यहाँ हम जाते हैं सबसे पहले इसमें टॉप 10 को यहाँ से कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद समरी शीट में लाते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं। थोड़ा सा इसको छोटा करेंगे, टॉप 5 कस्टमर कॉपी किया, चार्ट को कॉपी कर रहा हूँ ना, बस यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। और बॉर्डर का ध्यान रखिएगा, ठीक है, गैपिंग का, मतलब गैपिंग का बैकग्राउंड कलर है तो बॉर्डर बन जाएगा फिर। अभी देखिए अमाउंट दिक्कत कर रहा है तो इसको थोड़ा सा छोटा कर, इसको भी थोड़ा छोटा कर दीजिए, इसको भी थोड़ा छोटा कर, ठीक है। पावर ये ठीक होता है समझे, बता देता है कि कितनी लाइनिंग की है। सही है, अब टॉप 5 हो गए। टॉप 5 के बाद हम बात करते हैं सेल्स, सेल्स बाय सेल्स पैन, सेम इसको भी कॉपी करेंगे। और जैसे हमने बताया आपको कि हम समरी को एक पेज पे ही व्यू कर सके ऐसे बनाना है, तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं। और इसी में तीनों, अब यहाँ पे थोड़ा छोटा पड़ गया है, छोटा और करना चाहिए हमको, इसको यहाँ से छोटा कर देते हैं ताकि भूल हटा दीजिए ताकि सही से दिखे, थोड़ा सा बड़ा कर, ठीक है। अब टॉप 5 कस्टमर ये सेल्स में हो गया, यहाँ पे 10 काउंटिंग है, इसको भी सेम यहाँ से कॉपी करते हैं और समरी पे आते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, यहाँ इसको रखते हैं, थोड़ा सा गैप दे के। अच्छा, गैप जो है ना सब में सेम रखिएगा, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं और बिल्स को भी थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ट्रांजेक्शन अमाउंट को भी थोड़ा छोटा कर देते हैं, इसको भी थोड़ा छोटा कर देते हैं, ठीक है। अब लास्ट जो हमारा आता है वो आता है सेल्स बाय रीजन, रीजन सेलेक्ट किया, समरी में गए और यहाँ हमने इसको पेस्ट कर देते हैं, यहाँ इसको रखते हैं। ठीक है, तो मैं डैशबोर्ड डन हो गया।
डैशबोर्ड के बाद छोटी सी चीज रह गई है और रह गई है स्लाइसर, ठीक है। स्लाइसेस के लिए हम चाह रहे हैं यहां पे राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल, बॉर्डर्स, मोटा वाला बॉर्डर को यहां लगा ताकि एक गैपिंग रहे कि आखिर आगे यहाँ पे कर क्या रहा है, ठीक है। अब बात आती है कि अपने व्यू को थोड़ा सा छोटा कर, आई थिंक 80% के 70-80% के आसपास है, ठीक है ठीक है सर। यस, अब यहां पे हम स्लाइसर का इंसर्ट करते हैं। अब इसी पिवट टेबल में हम स्लाइसर इंसर्ट करते हैं। अब आपको ध्यान देना है कि आपको फिल्टर चाहिए किस किस पे, ठीक है ना। तो बेसिकली जनरली लोग जो देखते हैं वो देखते हैं रीजन के हिसाब से देख सकते हैं, सेल्स पर्सन के हिसाब से देख सकते हैं, क्योंकि सेल्स के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि क्या हुआ सेल कितना हुआ, ठीक है। और कैटेगरी के हिसाब से देख सकते हैं कि किस कैटेगरी है क्या सेल। अब मैं इसको यहाँ तीनों को सिलेक्ट करके कट करके और अपने जो समरी है वहां पे लेके जाते हैं। अब इसको यहां मैं इसको मैं डबल लाइन कर देता हूं, लेकिन छोटा हो जाएगा। यहां इसको रखता हूं और फिर यहां पे सेल्स बाय सेल्स कैटेगरी इसको छोटा करते हैं। ठीक है सर। अब हर पिवट पे जाना है, राइट क्लिक और राइट क्लिक में पिवट टेबल राइट फिल्टर कनेक्शंस और जो हमने फिल्टर एक स्लाइस इस्तेमाल किए तो उसको कनेक्ट करना है, ठीक है जी सर। स्लाइसर्स फिल्टर कनेक्शंस चैन काउंट फिल्टर कनेक्शंस सेल्स बाय रीजन कनेक्शंस फिल्टर कनेक्शंस, ओके। और उसके बाद हर चार्ट को लिंक करना है, ठीक है। तो आपको इंसर्ट करना है, इंसर्ट करके लिंक पे जाना है, इंसर्ट लिंक, और आप करेंगे पैलेस दिस डॉक्यूमेंट किया जाता है 2021 ट्रेंड, फिर इसको सिलेक्ट कीजिए सेम लिंक डॉक्यूमेंट किया जाता है टॉप फाइव कस्टमर, इसे सिटी का नाम डाले ताकि लिंक करने में प्रॉब्लम ना हो। ऐसे इसलिए क्योंकि ये दिखने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है ना सर यहाँ पे, और यहाँ पे हर चीज जो है अच्छा दिखा दूं एक ही साथ दिखा दूं तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि फिर उतना जगह तो है नहीं, स्क्रॉल करना पड़ जाएगा ना जी जी। सेल्स बाय सेल्स पर्सन और यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पे हमारा हो जाता है ट्रेंडिंग काउंट और इसको सिलेक्ट करके हमने कर दिया लिंक लास्ट सेल्स बाय रीजन। अब जैसे इसको लिंक हुआ है तो वापस आने के लिए भी देखिए, मान लीजिए इस पे हमने क्लिक किया और फिर वापस आने के लिए समरी भी क्लिक करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना सर क्या, तो इस सबको हम समरी से लिंक कर देते हैं। अब इसकी मैंने पेज लेआउट में इंसर्ट लिंक समरी सेलेक्ट किया लिंक समरी
सेलेक्ट किया लिंक समरी सेल्स बाय रीजन, लिंक समरी। ओके, अब यहां पे ये जो चीजें हैं इसको भी राइट क्लिक करके हाइड कर दे, और यहां भी आप जो है सिलेक्ट करके हाइड कर दे, क्योंकि जितना ही दिखेगा जितना हमारा रिपोर्ट का एरिया है। ठीक है, अब इसमें एक काम और करना है, हमें जाना है पिवट टेबल ऑप्शन में, और एडवांस के अंदर में जो सीट नेम है ना एसोसिएट टैब, उस पर चेक कर। अब मैंने रिपोर्ट फाइल ओपन की, रिपोर्ट चेक किया, क्लिक किया, यहाँ पे आए रिपोर्ट अपना देख लिए, फिर क्लिक किए वापस आ गए, इस पे क्लिक किए, सेल्स पर्सन पे क्लिक किए, राइट, अच्छा लग रहा है, सही बात है ना। अब एक चीज और भी है कि हम एक चीज और चाहते हैं कि जब भी मेरा फाइल खुले, मेरा फाइल जो है समरी सीट को ही रिप्रेजेंट करे। जैसे मान लीजिए मैंने इसको सेव करके क्लोज करके भेज दिया, तो सेकंड पर्सन खोल के दिखेगा तो सिर्फ इसी रिपोर्ट को देखेगा ना सर। सही, सीट टैब तो हाइड है, पता थोड़ी चलेगा कि समरी सीट भी और भी सीट है, पता चलेगा सर नहीं चलेगा। तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी, हमें विजुअल बेसिक में जाके यहाँ डिस वर्कबुक पे वर्कबुक ओपन, और इसमें हमें करना होगा सीट कौन सा, समरी में सेवन है ना, हाँ सेवन, सेवन डॉट एक्टिव। अब हम जो है कोई भी फाइल को लेके सेव कर दे, कोई भी कर दे, पर छोटा सा कोड मैंने लिखा है, अब मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ फाइल को, लेकिन ध्यान रखिएगा अब इसमें कोडिंग लग गई है तो एक्सलस एम ही होना चाहिए, कोई और नहीं होना चाहिए। ठीक है, यस, तो यहाँ पे जाएगा प्यूबर्ट डैशबोर्ड सेल्स, ठीक है, हमें यहाँ पे सेव कर। अब देखिए मैं क्लिक कर देता हूँ ए और उसको क्लोज कर देता हूँ, सेव कर। अब जैसे ही वापस मैं आऊंगा पिवट सेल्स को डैशबोर्ड यूज करूंगा, तो मुझे मिलेगा डैशबोर्ड ना कि 2021, समझ गए। अब ये फाइल आप लोगों के अवेलेबल है, आप जो है जिप फोल्डर में होगा अवेलेबल, मैं दे देता हूँ आपको, ठीक है। ऐप के अंदर जो मेरी फाइलें होती है जिप के फॉर्मेट में होती है, तो वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं आप। जी सर, श्योर, तो मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू सर।